नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी को लेकर हमेशा कोई ना कोई विवाद छिड़ा रहता है, इसी बीच दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। और ये खबर है दोस्तों छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की तैनाती बहुत जल्द हो जाएगी। मैं पूरा डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये आज के ही पेपर में छपी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2016 में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति और तैनाती की अनुशंसा को मंजूरी दी है। अब नए अधिकारियों को संबंधित विभागों को दे दिया जाएगा जहां इनकी नियुक्ति होगी। छठी सिविल सेवा परीक्षा में कुल 326 पदों के लिए अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। इसमें झारखंड प्रशासनिक सेवा के 143, झारखंड पुलिस सेवा के 6, झारखंड वित्त सेवा के 104, झारखंड शिक्षा सेवा के 36 और झारखंड सहकारिता सेवा के 9। साथ ही साथ दोस्तों, झारखंड योजना सेवा के 18, झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा के 3 और झारखंड सूचना सेवा के 7 पदों के लिए कोटिवार अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा की गई है। सफल अभ्यर्थियों में 73 महिलाएं भी शामिल है। आपको बता दें, छठी जेपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया 2016 में शुरू की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रक्रिया 2016 में शुरू की। एग्जाम को लेकर बहुत सारे हड़ताल हुए, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और अभी भी चल ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि इन्हें जब अब नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।